नालंदा जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। यह ठग कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। गिरफ्तार ठग का नाम शशिकांत कुमार है और यह नालंदा जिले के कतरीस राय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 6,51,000 रुपए, 15 मोबाइल फोन, कई बैंक के डेबिट कार्ड और दस्तावेज बरामद किए हैं। साथ ही उसके घर की तलाशी में एक देशी कट्टा और 10 कारतूस भी बरामद किया गया है। साइबर डीएसपी ज्योति शंकर ने बताया कि 26 अक्टूबर 2023 को कुछ किसानों ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे ठगी की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि कई लोगों से इस तरह की ठगी की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर शशिकांत कुमार को नवादा जिले के गोनावा गांव से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी नालंदा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से कृषि योजनाओं के नाम पर होने वाली ठगी पर रोक लगेगी। दिनांक 26/2023 को नालंदा साइबर थाना में वादी के लिखित बयान पे एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें किसान सलाहकार के नाम पर उनके साथ उनको कॉल कर सूखा राहत योजना में उनके पैसे दिलाने के नाम पर उनके साथ ठगी की गई थी। वो ये अनुसंधान अंतर्गत था और अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने इस कांड के जो प्राइम एक्यूज हैं उनकी गिरफ्तारी की है और उनके घर से 6,51,500 रुपये और कांड में प्रयोग किए गए सभी सामान, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट सभी को बरामद किया गया है और इन माननीय न्यायालय में इनको उपस्थापित कराया गया है। उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक दो और लीड्स मिले हैं। इनके विरुद्ध नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल्स जो है, साइबर क्राइम पोर्टल पे काफ़ी शिकायतें दर्ज है और उन सभी शिकायतों में जो भी इंक्रीमेंटिंग सब्सटेंस है वो इनके पास से बरामद किया गया है और ये वर्ष 2021 से ही इस पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडी की ठगी कर रहे थे और हम लोग इनको नवादा स्थित इनके निर्माणाधीन आवास के पास से इनके आवास से गिरफ्तारी की गई है। मामला आ रही है तो क्या लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इसमें मैं कहना चाहूँगा, साइबर ठगी अगर कॉल के थ्रू होती है या SMS के थ्रू होती है, मैक्सिमम ऐसे ही केसेस होते हैं, चाहे डीप फेक का भी कॉल हो, तो सबसे पहला काम सूचना का सत्यापन करना है। अगर कोई बताता है कि बैंक अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया गया है या बैंक खाता KYC की वजह से बंद होने वाला है, तो वो सूचना का पहले सत्यापन कर लें कि जो सूचना आपको फ़ोन के माध्यम से या SMS के माध्यम से बताई जा रही है वो सच है या नहीं है। जैसे कल एक मामला संज्ञान में है, +92 से कॉल आ रहा है, प्राइम ऑफिसर वो पाकिस्तान का नंबर है, उसमें कहा गया है कि किसी बच्चे आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। तो सबसे पहला काम है उस सूचना का सत्यापन कर लेना और टेलीकॉम एडवाइजरी ने हर बार कहा है कि ऐसे नंबर्स जैसे +92 हो गए, ऐसे नंबर से अगर कॉल आते हैं तो उनको रिसीव करना है या नहीं रिसीव करना है ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है।